हे गाइस, बिग बॉस की लेटेस्ट अपडेट के साथ हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त शिप्रा। बिग बॉस के अब तक के सफर में बिग बॉस सीजन 13 सबसे हिट साबित हो रहा है। हर हफ्ते बिग बॉस के घर में नए ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं और यही ट्विस्ट एंड टर्न्स शो की रेटिंग्स में इजाफा कर रहे हैं। अब बिग बॉस सीजन 13 के फिनाले में करीब एक महीने का वक्त बचा है, लेकिन फिनाले से पहले शो में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है और इस ट्विस्ट का नाम है बिग बॉस एलीट क्लब। बिग बॉस में पहली बार एलीट क्लब इंट्रोड्यूस किया गया है। बीते एपिसोड में आपने देखा कि बिग बॉस एक्स कंटेस्टेंट हिना खान एक बार फिर घर में गेस्ट के तौर पर आई हैं। अपकमिंग एपिसोड में हिना ये खुलासा करेंगी कि कौन सा कंटेस्टेंट एलीट क्लब का मेंबर बनेगा। लेकिन ये तय है कि पिछले हफ्ते हुए बिग बॉस कॉमेडी क्लब के विनर शहनाज गिल और असीम रियाज में से किसी एक को इस एलीट क्लब का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा, ये अपकमिंग एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन बिग बॉस के फैन क्लब के मुताबिक असीम रियाज शहनाज गिल को पछाड़कर शो के पहले एलीट क्लब के मेंबर बन गए हैं। सोशल मीडिया पर असीम के एलीट क्लब के मेंबर बनने की खबर तेजी से वायरल हो रही है और इस खबर को असीम के भाई अमर रियाज ने भी कंफर्म कर दिया है। वहीं बिग बॉस ये पहले ही अनाउंस कर चुके हैं कि इस क्लब का मेंबर बनने के बाद कंटेस्टेंट अपने आप को एक हफ्ते की नॉमिनेशन से सेव कर सकते हैं। ये वो पावर है जिसका इस्तेमाल कंटेस्टेंट इस सीजन में कभी भी कर सकता है। वेल, ये तो अपकमिंग एपिसोड में ही कंफर्म होगा कि आखिर कौन सा कंटेस्टेंट इस एलीट क्लब का मेंबर बनता है। न्यूज़ की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली 99।